अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। छुट्टी का दिन, सुबह का वक्त, मौसम थोड़ा सा बेहतर और मैं हमेशा की तरह तलाश में भटकता हुआ एक अदद स्टोरी की, और वहाँ मेरे पीछे सूरज तुलू होता हुआ। आसपास का माहौल कुछ ऐसा। चलते हैं तलाश में और देखते हैं आज हमारे नसीब में क्या है। आपको ये दिखाता चलूं कि जहां मैं इस वक्त चल रहा हूं, यहां पर अच्छी खासी ग्रीनरी हुआ करती थी। अब टेम्परेचर इस कदर ज़्यादा है कि तमाम चीज़ें जल चुकी हैं, लेकिन चंद ही दिनों में ज़रा सा पानी पड़ेगा और ये तमाम जगह खूबसूरत हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। यही कुदरत का नियम है, कानून। आदमी जो है वो वहाँ टुंगी के ऊपर खड़ा हुआ, तो उससे भी चल के बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे चल देंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? ओह क्या मजे हैं। ठीक है, सब ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? नियाज अली। या नियाज अली, हाँ। आपको आता है माँ का याद? हाँ, माँ का याद। कितना आता है? ज्यादा आता है। क्यों? ज्यादा आता है बस। माँ भी, माँ मर गई हमारा। माँ मर गई? हाँ, माँ नहीं है। कभी? माँ का कम से कम 18 साल हो गया। इंतकाल हुए हुए? हाँ। आप कितने बड़े थे? मैं इतने उम्र भी ऐसे 15 साल का टाइम। 15 साल के थे? हाँ, 15 साल। वही याद आता है फिर? हाँ, याद आता है। मोहब्बत जो करती थी माँ? हाँ, ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो अभी माँ के गुजरने के बाद ऐसा क्या करते हैं जिसको, जिससे माँ को सवाब मिले? बस ये दूसरा आदमी का माँ भी है, मैं बोले गार आदमी को भाई ख्याल रखो माँ का, ज्यादा माँ बाप का नहीं है। जिसकी माँ है, आओ परदेश में याद आएगा माँ। बीमारी आएगा बस माँ याद आएगा लाजिम। हाँ, ये बाप ने आप बड़ी अच्छी बात करी। जब आप बीमार होते होंगे वहाँ पर, तो माँ जो बहुत ख्याल रखती थी, बहुत ख्याल रख, और जिन लोगों के पास माँ है उनको ख्याल रखते। तकलीफ आएगा बस माँ याद आएगा। जिस टाइम तकलीफ आएगी तो सिर्फ माँ याद आएगा। माँ याद आए। अरे है, बीवी की याद नहीं आती? बीवी भी याद आता है, माँ ज्यादा। माँ ज्यादा याद आता है, ये बात सही है। माँ माँ है, माँ तो माँ है। तो यहाँ पर जितने परदेसी लोग रहते हैं, उन तमाम लोगों की परेशानी यही है? यही है बस, माँ माँ। अरे है, कभी कुछ लिखा, कभी कुछ गाया, कभी कभी कुछ सोचा माँ के बारे में? बस माँ भी ये सोचे क्या और नहीं है दुनिया में, वल्ला नहीं है। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, नसीब करेगा बस। और आप लोग, आप ऐसे ही याद करते रहे माँ को, तो सवाब पहुँचता रहेगा ना? सवाब पहुँचता है, दुआ करेगा बस। शुक्रिया शुक्रिया। छः में भेगा। खूबसूरत जगह है, पर ठंडी में मज़ा आता होगा। तो एसी वगैरह है आपके पास? हाँ हाँ, रात का 11 बजे आए। आपको दूध लाके दे दिया चाय के लिए? अल्लाह अकबर, अरे वाह। चाय बनाएगा, तुम्हारा मर्जी है। नहीं, चाय की जरूरत नहीं है ऐसी। ऊंट वाला दूध भी है और रबी वाला है, तुम्हारा मर्जी। नहीं नहीं, कोई सा भी। ना ना, सही चाय बनाएगा, अच्छा वाला। कौन सा अच्छा बनता है? चलिए बनाइए। किस चीज में बनाएगा वो? वाला जो अच्छा, हाँ जो अच्छी बना सकते हैं वो बनाइए, सिर्फ दूध बस। हाँ ठीक है, अच्छा ये आपका वक्त है चाय पीने का? हाँ। ठीक, तो फिर पियेंगे अगर आपका भी वक्त है तो। हम ताज़ा पानी, ताज़ा दूध, ताज़ा सब कुछ। ये पीने का है पानी? पानी का, पीने का वो भी है। अच्छा, ज्यादा नमक नहीं है वैसे, है ज्यादा चल रहा है इसकी वजह। हाँ, इसकी वजह से ऐसा है। ये भी अच्छा है इसकी। तो आज जो है ऊंट के दूध की चाय सवेरे सवेरे। ये दूसरा वो कलर बाबा आएगा इसकी वजह से। अच्छा, वो देखेगा आपको। हाँ। लेकिन आप, आपने सब इधर डाल दिया। हाँ। आप कब क्या पियोगे? मैं? और है आपके पास? और है। हाँ बट ठीक है,
तुम उठेगा? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। उधर है दूसरा। ये जगह नहीं है, ये जगह इधर पत्नी मकरी के पास चौकटे में। इसकी वजह से मैं इधर बस। हाँ कहाँ पर? इधर नहीं है, बच्चों मच्छों कटे में। हाँ। रात का इधर, रात का इधर बैठा है बस। यहाँ पर सोते है इस पे? हाँ इधर इधर इसमें बिस्तर भी है, जगह बिस्तर डाल के इसमें सो जाते हैं। कुछ सोच करेगा, इधर कुत्ता आएगा, कुत्ता नहीं है। हाँ वो आता है, कुत्ता दूध पाएगा, पीछे वाला साल नहीं है। हाँ। नया नया मैं आएगा इधर। हाँ। ये कुत्ता आएगा, मालूम नहीं क्या चीज है, इधर से खून पिएगा। किसका? बकरी का। कुत्ता नहीं है वो, गीदड़ नहीं है। गीदड़? गीदड़ है वो। हाँ अंदर नहीं है जगह, उधर बकरी। वो छोटा सा होता है, पतला मुंह होता है उसका। हाँ ये जगह में नहीं है। हाँ हाँ इधर जगह खाली है, रात का आएगा किस टाइम पता नहीं है। हाँ हाँ मैं इधर से उठेगा, अंदर जाएगा, पूरा बकरी मर गया। इधर अंदर नहीं है, पूरा बच्चों वाला। अच्छा उसने गोश्त नहीं खाया, सिर्फ खून पी? सिर्फ खून खून। अच्छा कम अज कम पांच बकरी पांच बच्चा हो गया। तो इसको, ये भेड़ को नहीं मारता वो? इसको नहीं मारेगा? इसको डर गया, ये चीज से नहीं है। हाँ डर गया। ये बिल्कुल ये जगह में ऐसा है। आ, रात का क्या चीज आएगा रात का? हुँ. ये नहीं छोड़ दिया, मारेगा डायरेक्ट इसको। तो आप इधर सोते हो तो नहीं आता है? अंदर सोएगा तो बाहर आएगा वो? अंदर ऐसी है बस, नींद आएगा। अच्छा मैं आराम करेगा थोड़ा। जी 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 दिल का आराम करेगा 9 बजे। ये छीके में रखते हैं ताकि कोई सेफ रहे खाना। इधर बर्तन मर्तन है, बच हो गया बिल्ली मिल्ली से। बिल्ली से बच जाता है खाना बना के, बच गया कुछ तो रख देते हैं। ये अपने वहाँ गांव में रखते थे ना? ये हमारा माँ का माँ नहीं है। हाँ। ये सभी करेगा। माँ की याद यूँ आती है। हमारा भी एक दोस्त आएगा, भाई तुम भी ऐसा करेगा भाई, इधर भी हमारा घर में एक बूढ़े आदमी है, ये भी ऐसा करेगा। अल्लाह तुल किचन में नहीं है, ऐसे जाली लगाएगा। छीका? हाँ वाह, इसमें अंदर बर्तन मर्तन और रोटी मोटी बच हो गया। तो आप पिशावर के हैं? मर्दान के हैं। रोस्तम का वो निकला, रोस्तम का। हाँ मौलाना तारिक जमील भी तो उधर ही में से। मौलाना तारिक जमील से लाहौर का है? लाहौर का है। नहीं उधर मर्दान का है वो। ना मर्दान का नहीं है। मर्दान का नहीं है? ना ये भी लाहौर का ही अच्छा आदमी है। हाँ अच्छा मुल्क में हमको तो बहुत काम किया, हमको बहुत पसंद है। अच्छा काम, नेक आदमी है। किस टाइम ये सब बातें करता है वल्ला, भी नजर आएगा और ऐसे तरीके में रास्ते में ऐसे तरीके करेगा वल्ला। मोहब्बत की बात करता है वो। अच्छा अच्छा हो हो गर्म हो गया। अच्छा है ऊँट का दूध तो जितना गर्म करेंगे उतना अच्छा है। पति मती से पहले टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये चाय बनके तैयार हो गई। इधर इधर सही वहाँ वाह, लेकिन इतनी भर के चाय है ये तो मैं पी नहीं पाऊंगा। हाँ साहब की मोहब्बत लाजिम पिएगा, आज लाजिम पीऊंगा। कब पिएगा? अच्छा इतनी अच्छी होगी ये? हमारा पास आएगा प्यार से हर चीज खाएगा बस। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चाय पिएगा लाजिम, मालूम नहीं है मीठा है सही है, मीठा ज्यादा है। मीठा जो पठान जितना पीते हैं वैसा है, लेकिन गाढ़ी चाय है, पकी हुई है खूब। और इसका टेस्ट दूसरी चाय से अलग है। जैसा चाय होता है ना भैंस के दूध का या गाय के दूध का, वैसा नहीं है। ये गाढ़ा है ऊंट का, ये दूध का थोड़ा नमक है। हाँ इसमें नमक है थोड़ा, इसकी वजह से मैं मीठा ज्यादा। हाँ और इसमें ताकत आती है? ताकत ज्यादा है। ताकत ज्यादा है। मेरा कहेगा दो तीन गर्शा। अच्छा अरे वाह। खान साहब ये बताइए खाली वक्त में क्या करते हैं आप? खाली वक्त बस पारे हो गया, तिलावत करेगा कुरान। अच्छा। का हाँ सुबह भी करेगा, शाम को भी करेगा। अच्छा लाजिम तिलावत, टाइम नहीं मिलेगा रात का करेगा, लाजिम करेगा। बाहर बैठ के करते हैं कमरे में? अंदर कमरे में। और फिल्म वगैरह देखते हैं? फिल्म ज्यादा नहीं लगाएगा। फिल्म का काम नहीं देखते? नहीं किया। गाना भी नहीं गाते? नहीं नहीं बस ये मोबाइल में व्हाट्सएप का बात किया हो, ये भी बस तिलावत मिलावत। अच्छा कुछ भी नहीं देखते? और नहीं है। टिकटॉक भी नहीं देखता? ना टिकटॉक का काम मैं नहीं, कुछ नहीं। तो आप शरीफ पठान है सीधे साधे? नहीं बस इधर में बात करेगा घर बच्चों मच्छों का,
परदेश में ज्यादा काम ये भी है, नमाज नहीं छोड़ेगा, नमाज का माफी नहीं है, नमाज का माफी तो कहीं भी नहीं है, नमाज पढ़ेगा 5 वक्त, कुरान मालूम है, कुरान मालूम नहीं है, ये सभी ला इलाहा बस बस खत्म हो गया, नियत होनी चाहिए, हाँ लाजिम कुरान तिलावत। और खाने का क्या करते हैं, खुद पकाते हैं? हाँ खुद पकाता है। बस क्या पकाते हैं, अकेले एक आदमी का? बस हमारा ये काम है, एक दिन सब्जी बनाएगा और दूसरा दिन गोश्त बनाएगा, हाँ एक दिन बिरयानी मरियानी चावल मावल, हमारा टाइम टेबल है। बस मैं अकेले एक आदमी है, ये ड्रम में एक रोटी बनाएगा, हाँ दो टाइम खाता होगा, हाँ सुबह शाम को बनाएगा लेट हो, हाँ सुबह भी नाश्ता किया एक ही रोटी से, हाँ इधर भी ये बात है, परदेश में ये मुश्किल है, पूरा दिन काम किया टेंशन नहीं है, अभी टाइम रोटी बनाने का टाइम हो कपड़ा अक्सर में ये सभी गुसल करेगा, ये कपड़ों में दिल नहीं लगेगा और कर में गुस्से की यार आदमी, बाद में सोचाएगा बीबी का माँ का बहन का सोचाएगा, भाई तुम सही है पूरा दिन बाहर काम करो, हाँ अंदर आएगा घर में आराम से बस बैठो, गुसल करेगा कपड़ा चेंज किया, तुमको ये पता नहीं है खाना कैसा बनाएगा, रोटी कैसा बनाएगा और कपड़ा कैसे सफाई किया, इधर परदेश में हर काम खुद करेगा, पूरा दिन काम करो करो मुश्किल नहीं है, और बस शाम को नहीं है, शाम को ये तुम्हारा कपड़ा है काम का ये भी गंदा है, इधर भी कपड़ा, इधर भी हमारा वाला कपड़े बहुत है, मैं ज्यादा इस्तेमाल बस ये शर्ट इस्तेमाल आसानी से गर्मी में, हाँ ना सफाई आसानी से, सफाई आसानी सुस्ती की वजह से। बच्चा आपका है? आओ दो बच्चा है। बड़ा है? आओ बड़ा है, एक भी पर शुरू किया, पढ़ते हैं? आओ आओ पर शुरू किया, दो दफा कुरान खत्म किया, एक भी छोटा है हिफ्ज कर रहे हैं, आओ हिफ्ज कर रहे हैं माशाल्लाह, घर से नजदीक मंदरस है। यहाँ कितने साल हो गए? दुबई में हमारा 3 साल हो गया बस। कितना साल रहने का इरादा है यहाँ? मैं भी जाएगा इंशाल्लाह, ये साल खत्म हो गया, छुट्टी पे फिर छुट्टी पे जाएंगे, वापस आएगा लाजिम, वापस आएंगे, मुल्क हालात तुमको पता है क्या हालात, हाँ हालात तो अच्छे नहीं है कहीं, हर चीज भी मुश्किल है, लेकिन खाजा मजा आ गया आपसे मिलकर आज, आपकी मेहमान नवाजी, आपकी मोहब्बत, चीज का इंशाल्लाह हमारा पास क्या चीज है, तुमको भी तुम्हारा सामने है। आपका दिल बहुत बड़ा है। नहीं नहीं इंशाल्लाह ये काम नहीं है, 10 मेहमान आएगा हमारा परवानी है, मैं खुश है, आज तुम आएगा वल्ला हमारा एक चीज का दिल नहीं है, अरे नहीं बस तुम्हारा साथ में बैठा है ये हमारा खुशी है, और मैं लालच मालच नहीं किया, हमारा पास आदमी आएगा मैं खुश है, बस तुम आ जाएगा पूरा दिन मैं खुश है, बस हमारा भाई आएगा हमारा पास बैठा है, बस मैं अभी निकलने वाला हूँ, बस जाने वाला हूँ, क्योंकि आपसे मुलाकात हो गई आपसे, और आपने ये दूध कैमल मिल्क की चाय पिलाई और ये दूध आपने मुझे दिया है, ये और मैं वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा, चलिए इंशाल्लाह मैं क्या करेगा, और बस दुआओं की दरख्वास्त है खुदा हाफिज करने के लिए, नहीं और क्या, बस 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 इतना बहुत है, फिर हम आएंगे ना आपके पास, सूजे चक्कर मक्कर लगाओ, बाद में इधर रोटी मोटी खाएगा, 1 महीने के बाद हम लोग प्रोग्राम करते हैं शाम में इंशाल्लाह, नहीं मिसाल अभी तुम लेट हो गए, चक्कर लगाओ, बाद में आओ हमारा साथ रोटी खाओ, नहीं नहीं अरे खान साहब आज जरूरत नहीं है, आज का हो गया, ये एक कप चाय पिया ना पेट भर गया, आज तो फिर किसी रोज आपसे जब टेलीफोन नंबर आपको दे दिया है आप फोन पे रब्ता करिए और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जरूर 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 साहब, ये हदिया मोहब्बत, ओके भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो किसी और एक नई स्टोरी के साथ, एक नए सफर के साथ, तब तक अपने दोस्त जुबैर को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कहानी है एक प्यार का नगमा।